Hey guys, good morning. Welcome back to my channel Pallavi Vlogs. Today is our last day in Manali. आज हमारा checkout है इस property से and आज हम जाने वाले हैं Manali to Kasol. यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए सुबह सुबह. थिंग्स आर पैक्ड. मानस इज ऑल्सो रेडी. अभी हम जल्दी से जाएंगे नीचे और मिलते हैं आगे. हाँ, नीचे आके सामान रख लेंगे गाड़ी में एंड पहले ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट अ डे. हमारा रूम एकदम ऊपर था. ये था हमारा रूम और मम्मा लोग का सामने है इधर. ये मम्मा लोग का रूम है. देखते हैं क्या कर रही है. हम लोग नीचे आ गए हैं. मम्मी पापा भी रेडी नहीं हुए हैं. मम्मी नहा रही है. पापा का भी पैकिंग वगैरह बाकी है. तो हमने सोचा हमने ब्रेकफास्ट कर लेंगे जब तक मम्मी पापा रेडी हो जाते हैं. आराम से करेंगे. हम थोड़ा ज़्यादा ही पंक्चुअल हो गए थे आज. इट्स जस्ट 8:30. हम 9:30 तक निकल जाएंगे क्योंकि आज हमारा ज़्यादा कुछ नहीं है. बस कसौल तक जाएंगे एंड देखते हैं वहाँ क्या कर सकते हैं. हमने ले लिया अपना फर्स्ट स्टॉप है हमारा कुल्लू शॉल फैक्ट्री आउटलेट में. सो दिस इज ऑप्शनल. अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ रुक सकते हो. तो वी जस्ट थॉट कि विल जस्ट लुक अराउंड क्या है. अगर कुछ अच्छा लगा तो विल शॉप एज वेल फ्रॉम हियर. इनके पास बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉल्स है. कालीन है. बहुत अलग अलग तरह के ब्लैंकेट्स है लाइक डिफरेंट वूल्स के. सो दे वर एक्सप्लेनिंग. सो हियर आर दो पैकेट जो वो दिखा रहे हैं क्योंकि दे हैव गॉट अ पैकेट सिस्टम कि आप 6000 या 8000 रुपीज में यू कैन टेक अ पैकेज वे यू गेट लाइक 8 to 11 आइटम्स डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस. यू कैन सिलेक्ट योर ओन एंड मेक कस्टमाइज इट कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना है कैसा चाहिए. एंड इफ यू आर लाइक आप इसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते बिकॉज इट विल बी लाइक अ ह्यूज पार्सल ये आपको कुरियर कर देंगे. सो यू जस्ट नीड टू पे 2000 रुपीज एडवांस एंड द रेस्ट यू कैन पे लाइक ऑन डिलीवरी. सो दिस इज अ गुड ऑप्शन. लाइक हमने भी यहाँ से लिया है. सो आई कुड से हम वी हैव रिसीव्ड आवर पार्सल लाइक विद इन 8 days. तो इफ यू आर लाइक इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर इट. ऐसे देखो बिल्कुल ठंडा ले का एनिमल होता है. ऐसे देखो बिल्कुल बर्फ की तरह होता है इस टाइप का ना. एक आपको ए आएगा एक आपको रैबिट वूल का ब्लैंकेट आएगा. ठीक है ए वाला ए फुल विंटर के लिए होता है. फुल विंटर के लिए ठीक है. एक आपको इसके साथ कारपेट आता है. ऐसे कारपेट आता है कारपेट आएगा. एक आपको इसके साथ बेडिंग सेट आता है. कलीन हमको कितना बाई कितना का है? 5x7 का. बेडशीट ब्लैंकेट पिलो कवर पूरा शिफ्ट पुल का बना हुआ होता है. ऐसे पूरी मनाली की सीनरी पकड़ी ऐसे पूरी सीनरी होती है. इसका डबल फायदा होता है. ये शिप पुल का होता है. इसको आप आजकल भी बिछा सकते हैं और इसी के साथ ही ब्लैंकेट होता है. इसको आप आजकल ओढ़ सकते हैं सर्दियों में. इसको बिछा सकते हैं. ठीक है आपको मैम पश्मीना शॉल आएगी इसमें 1500 तक की रेंज की. ठीक है एक आपको स्वेटर आएगी 1000 तक की रेंज की. जो चाहे आप लेडीज की ले लो चाहे आप जेंट्स की ले लो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है. तो हमने फैक्ट्री आउटलेट में बहुत टाइम स्पेंड कर लिया. हमने बहुत कुछ पापा ने खरीद भी लिया. तो यहाँ से जैसे कि सेट वगैरह मिलता है ब्लैंकेट्स का शॉल कालीन वगैरह. तो एक सेट ले लिया पापा ने तो वो लोग डायरेक्ट कुरियर कर देंगे. हमने कुछ एडवांस पे कर दिया. अभी यहाँ से निकलेंगे देखते हो रास्ते में क्या आता है. सारे रोड में पूरे रोड में तो बहुत कुछ है जैसे कि रिवर राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग का. बट इतना ठंडा पानी है ना हम लोग इसलिए रिवर राफ्टिंग कर नहीं रहे. और पैराग्लाइडिंग लिए ऊपर जाना होगा. तो हम लोग सोचे ठीक है चलते कसौल साइड वहाँ जाकर देखते क्या कर सकते हैं आज. अभी रास्ते में भी बहुत कुछ है तो आप लोग देखते रहिए. अभी ले हम अपना सेकेंड पिट स्टॉप जहाँ पे पापा गए बाहर
वहाँ शुगरकेन जूस मिल रहा था, तो वी थॉट विल हैव दिस एंड लुक एट दिस ह्यूज माउंटेन, कितना सुंदर लगता है। हर जगह आप जहाँ देखो वहाँ सुंदर सुंदर व्यू। सॉल के रास्ते में पड़ता है कुल्लू और अभी हम आ गए हैं कुल्लू के एक मशहूर मंदिर श्री महादेवी तीर्थ वैष्णो माता मंदिर। बाहर से काफी एक बिल्डिंग जैसा लग रहा है बट अंदर काफी ज्यादा बड़ा है। चलिए अंदर जाके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना शूज जमा करके टोकन ले लिया है और अभी उन्होंने बोला है कि हमें 2 फ्लोर्स ऊपर चढ़ना होगा, उसके बाद वहाँ पे जो भी है एरो मार्क्स बने हुए हैं कि जहाँ जहाँ जाना है। एंड आई गेस मोस्ट ऑफ द जगह पे कैमरा एंड फोन्स आर नॉट अलाउड, तो मैं जहाँ तक होगा मैं वहाँ तक आपको दिखाऊँगी। ये मंदिर बनाया गया था स्वामी सेवक जी दास द्वारा जब उन्हें यहाँ पे एक गुफा मिला था। ये माना जाता है कि इस गुफा में माता देवी तपस्या करती थी और भगवान शिव जी को जीता। यह मंदिर बनाया गया था इन 1966 और ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सर्विसेज भी ऑफर होते हैं, जैसे कि फ्री डिस्पेंसरी जहाँ पे ट्रेन डॉक्टर्स है, गौशाला भी है यहाँ पे जहाँ पे लोग अपने गायों को पालते हैं, और उसके साथ साथ मंदिर के अंदर ही धर्मशाला बना हुआ है जहाँ पे लोग आराम से रह के ये मंदिर को और कुल्लू को घूम सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ बना हुआ है एक लाइब्रेरी और भोजनालय। मंदिर दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं उनके भोजनालय जहाँ पे वो दे रहे थे लंगर। हम वैष्णो मंदिर से बाहर आ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर था। अंदर का तो मैंने डिटेल्स आप लोगों से शेयर कर दिया है और वहाँ पे लंगर भी दे रहे थे। बहुत अच्छे सिस्टमैटिक हर चीज़ है, बहुत अच्छा लगा। इट वॉज अ गुड डिसीजन कि हमने यहाँ पे हम अंदर गए। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरीका से मंदिर में प्रवेश से लेके लंगर तक बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा। पापा नहीं गए, पता नहीं पापा कार में है, पता नहीं कहाँ है, मैंने फ़ोन किया है। और सामने का नज़ारा भी बहुत सुंदर है, मतलब दिस इज फॉर व्हाट यू कम टू माउंटेन्स राइट। यहाँ पे इतना सुंदर रिवर, वहाँ पे राफ्टिंग हो रहा है, यू कैन सी माउंटेन्स। हम लोग मंदिर से जाके आने के बाद फिर पापा भी गए थे, हम लोग संग नहीं गए। आपको कैसा लगा मंदिर? बहुत बढ़िया, द बेस्ट। अपना से अलग से अकेला जाके सब लंगर वंगर खा के आए, मजा आया लंगर में। सामने जो माउंटेन दिख रहा है, हमारा जो होटल है उस साइड है, सो वी हैव टू क्रॉस दिस ब्रिज एंड गो। एक बार वहां जाते हैं देन आई कंटिन्यू द व्लॉग। हे गाइस, फाइनली पहुंच गए हम लोग अपना कसौल का होटल। थोड़ा सा डिफिकल्ट था रास्ता, थोड़ा हाँ मतलब थोड़ा ही है, फर्स्ट टाइम इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगा। बट हाँ, ऐसे हम लोग को थोड़ा रिवर क्रॉस करके ब्रिज से ऐसा थोड़ा ट्रैक करके आए हम, बट ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 2 दिन है तो वी जस्ट थॉट कि ऐसा कोई जगह लगे जहाँ पे कैन आराम से चिल। तो यहाँ का मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ, एंड दिस इज द व्यू। सामने वहाँ पे रिवर दिख रहा है, वहाँ से दिस होल इज अ माउंटेन व्यू। मम्मा भी यहाँ पे है, बहुत डिफिकल्ट था लेकिन बहुत बेस्ट टॉप टॉप प्लेस। हाँ बहुत ट्रेकिंग करके आए, अभी मैं ऑन नहीं की थी कैमरा बट एक बार अगर हम शाम में या कल कभी निकलेंगे तब मैं आप लोगों को रास्ते दिखाऊंगी, बट बेस्ट फॉर चिलिंग। तो मैं रूम गलता करने से पहले आप लोगों को जल्दी से एक क्विक रूम टूर दे देती हूँ। बेसिक सा ही रूम है, तो हियर यू एंटर फ्रॉम द डोर एंड यहाँ पे एक बेड है, यू हैव अ कबर्ड, अ मिरर,
अच्छा है यहाँ पे, लाइक स्टोरेज यूनिट दिया हुआ है, यहाँ पे एक विंडो है जहाँ से यू कैन वॉच दिस ब्यूटिफुल व्यू एंड अ बेसिक सा वॉशरूम, पॉटी, शावर, बेसन, ग्रीजर, दैट्स ऑल यू नीड. फाइनली ड्रीम वेकेशन, और हमारा लास्ट 2 दिन है ट्रिप का. बहुत अच्छा रहा हमारा ये वाला ट्रिप, जैसे थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं एंड देन आई कंटिन्यू द ब्लॉग. हे गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 5, हम लोग यहीं पे बैठे हुए थे सब चिल कर रहे हैं विद दिस अमेजिंग व्यू. और अभी हमने अपने लिए ऑर्डर किया है स्नैक्स, कुछ पकौड़ा, चाय, कॉफ़ी. So you got me falling for your ass and then